Hello guys, welcome back to another lesson on my channel. In this lesson, we will look forward to some important MCQ pertaining to MPPSC. This is the part number 36. If you haven't watched the previous videos, then I would urge you to please watch it first, then continue with this series. सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक चीफ काजी कहलाता था अकबर के कार्यकाल में? Who among the following was the chief kazi during the reign of Akbar? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अब्दुल नबी. अब्दुल नबी वॉज द चीफ काजी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर. अब काजी की अगर बात की जाए तो एक जज होता था, ओके, जिसका काम होता था, जो कि एक जुडिशरी का काम होता है, फैसला लेना, तो वो काम हुआ करता था चीफ काजी का. तो उस समय अकबर के समय अब्दुल नबी चीफ काजी था. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि झारसुगड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? याद रखिएगा, झारसुगड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है. ये सिचुएटेड है उड़ीसा में. अगर आप यहाँ मैप में देखें तो ये सिचुएटेड है उड़ीसा, यहाँ आप देख सकते हैं. तो झारसुगड़ा एयरपोर्ट सिचुएटेड है उड़ीसा में. अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का 100th एयरपोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? अब इंडिया का जो 100th एयरपोर्ट है, ये सिक्किम का पहला एयरपोर्ट भी है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर है. और अगर आपसे इसका नाम पूछा जाए तो वो है पाक्योंग एयरपोर्ट. पाक्योंग एयरपोर्ट सिचुएटेड है सिक्किम में, जो कि इंडिया का 100th एयरपोर्ट है और साथ ही साथ सिक्किम का भी पहला एयरपोर्ट है. तो आप यहां देख सकते हैं सिक्किम यहां पे सिचुएटेड है. अगला क्वेश्चन है कि अजात शत्रु इनमें से किसका बेटा था? अब अजात शत्रु जो बेटा था, ये था बिंबिसार का. यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए बिंबिसार. और बिंबिसार क्या था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था. ही वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी. अगला क्वेश्चन है कि बर्मा इंडिया से कब सेपरेट हुआ? व्हेन वाज बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? तो ये इंपॉर्टेंट ईयर हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए. तो ये सेपरेट हुआ था 1937 में. अब बर्मा की अगर बात की जाए तो ये बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है, ओके. तो याद रखिएगा, बर्मा 1937 में इंडिया से अलग हुआ, पहले ये इंडिया का पार्ट हुआ करता था. अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम का संस्थापक इनमें से कौन है? Who is the founder of Mahabalipuram? तो महाबलीपुरम का संस्थापक है नरसिंह वर्मन. नरसिंह वर्मन है महाबली के फाउंडर, महाबलीपुरम के फाउंडर. अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली कंट्री कौन सी है जिसने अपने आगे टाइगर की पॉपुलेशन डबल की है? Which country became the first to double its tiger population? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेपाल. नेपाल रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डबल इट्स टाइगर पॉपुलेशन. अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया हरिजन संघ एस्टैब्लिश्ड इन, तो ये ईयर आप याद रखिएगा, ये है 1932. 1932 को ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई. और इसकी स्थापना किसने की, तो ये भी आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने, ओके. महात्मा गांधी जी ने 1932 को ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की. अगला क्वेश्चन है कि किताब फी तहकीक का ऑथर इनमें से कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ किताब फी तहकीक? तो किताब फी तहकीक का ऑथर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अल बरूनी. अल बरूनी इज द ऑथर ऑफ किताब फी तहकीक. तो ये था हमारा एक वीडियो, सैंपल सा वीडियो. यदि आप प्रीवियस वीडियो मींस जो मैंने टेस्ट सीरीज का अपलोड किया है, वो अगर आपने 100 क्वेश्चन का नहीं देखा है या आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्रीवियस वीडियोस में जाइए और देखिए आप, या तो आप टेस्ट सीरीज की भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए इंपॉर्टेंट है. और मैं वीकली टेस्ट सीरीज अपलोड जरूर करूंगा. और याद रखिएगा, ट्यूजडे से फ्राइडे तक मैं ये रोज डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू अपलोड करूंगा, और मंडे को हमारी टेस्ट सीरीज रहा करेगी. सो बाकी अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/AdityaDubeyMPPSC. इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं. फेसबुक की लिंक आप देख सकते हैं facebook.com/AdityaDubeyMPPSC. इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और डाउट, प्लीज डू लेट मी आस्क इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन. योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. गुड लक, बाय बाय.